यीशु को पानी पर चलन। 5,000 लुखु ते खाणो खिलाना का बाद यीशु लपड़े चेलो बटी नाव में जाणो को बोली। यीशु लू ते झील का दूसरी तरफा चली जाणो को बोल, जबकि उ थोड़ा भक्त को ओखी ठहर गिन। तब चेला चल गिन और यीशु लो वी भीड़ ते विदा कैरी कि वो अपना घर जौन। यहाँ का बाद यीशु प्रार्थना कन को एक पौड़ पर चल गई। वो खो अकेला ही छो और वेल देर रात तक प्रार्थना कर। वे भगत चेला अपनी नाव बटी जाना छा, पर बतों ऊँखा विपरीत जोर से चलनु छो। बहुत रात वे जान पर भी वो बस झील का छाला में पहुंचा। वे भगत यीशु प्रार्थना कन खत्म करी और अपने चेलों में वापिस जान शुरू कर। उ नाव का तरफा जाणु को पानी का मथी चलन लगे। तब चेलों लो वे ते देखी वो बहुत डर गिन, क्योंकि ऊन सोए चौ कि ऊ कोई भूत च। यीशु जान चौ कि ऊ डर गिन, इले वेल आवाज लगे कि बोली, डरा ना युमी छो। तब पतरसल यीशु बटी बोली, हे प्रभु जो यू तू छे तुम्मी थे पैण पर चलणु को बोल। यीशु पतरस बटी बोली, ओ। तब पतरस नाव बटी उतर गए और यीशु म जाणु को पैण पर चलन शुरू करी। पर थोड़ी देर में जैके वेल अपना आंखों ते यीशु बटी फिरा दीन और लहरों ते देखी और तेज बथों ते महसूस करन शुरू कर। तब पतरस डर गए और पैण में डूबन लग गए। उची लय, हे प्रभु मी ते बचो। यीशु वे ते अपनो हाथ बढ़े के पकड़ दीन। तब वेल पतरस बटी बोली, तेर विश्वास बहुत कम छ, अब ते ठीक रखणु को तिल मी पर विश्वास किले नि रख। तब यीशु और पतरस नाव पर चढ़ गिन और तुरंत बथों बंद हुए गए। पानी शांत हुए गए, चेलों चकित हुए के यीशु का अग्नि घुंडा टेक दिन। ऊल यीशु की आराधना करी और बोली, सच में तू पिता परमेश्वर को नौन छे। मत्ती अध्याय 14 का 22 से 33, मरकुस 6 का 45 से 52, यूहन्ना 6 का 16 से 21 बटी एक बाइबल की कथा।